ज़ॉम्बीज एक खूबसूरत से विलेज में रहा करते थे, जहां पर एक दिन ज़ॉम्बी एलेक्स को झुगला रहा था, छोटी एलेक्स। तभी वहां पर एलेक्स आ जाती है, जिसके बाद एलेक्स छोटी एलेक्स को ले जाने के लिए रेडी तो कर रही थी, लेकिन छोटी एलेक्स काफ़ी नटखट थी, इसलिए वो अपने डैड के पास रुक जाती है। और आज एलेक्स पिकनिक में आई हुई थी, इसलिए वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि इनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। तभी एलेक्स ज़ॉम्बी एंड छोटी एलेक्स को बुलाती है, एंड जिसके बाद वो लोग काफ़ी खुशी खुशी एलेक्स अपने हाथ में एक बिस्किट लेकर आती है एंड उसे खाने लगती है। तभी उसे एक रैबिट दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था एंड उसके सामने मानो ऐसा लग रहा था कि वो उससे खाना मांग रहा हो। जिसके बाद छोटी एलेक्स उसे अपनी कुकीज़ में थोड़ी कुकी खिला देती है। एंड तभी वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो कि होगा क्लैन से बिलोंग करता था, और उसे ऐसे ही लोगों की तलाश थी एंड उसे एक हेड चाहिए था, जो कि होगा क्लैन में एक साइंटिस्ट चला रहा था। और वो साइंटिस्ट कुछ काम कर ही रहा था, तभी उसकी कॉल आती है एंड वो कॉल में बोलता है, तुम्हें वो लोग दिख रहे हैं जो कि पिकनिक मना रहे हैं, उन्हें तुम्हें मारना है, उनके सारे के सारे सर ला देने हैं। और वो लोग एलेक्स रैबिट के साथ खेल ही रही थी, तभी उसके उसके ऊपर दिखता है कि सारे के सारे बादल अचानक से काले हो चुके हैं एंड उनमें से बारिश हो रही है, जिसके बाद ये लोग अपने पिकनिक अचानक बंद कर देते हैं एंड अपने अपने घर में आकर छुप जाते हैं। एंड ये काफ़ी भीग गए थे, इसलिए ये लोग कैंप फायर में बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये बारिश किसने करवाई है और क्यों करवाई है। वो तीन लोग जो कि होगा क्लैन से बिलोंग करते थे एंड होगा लाला के दोस्त भी थे, वो उनके घर में एक ऐसा बॉम्ब छोड़ने वाले थे जो कि उनको एक बार में मार सकता था। एंड जैसे ही ज़ॉम्बी अपने लेफ्ट की साइड देखता है, वहाँ पर शीशा फूटा था एंड एक ऐसा बॉम्ब गिरा था जिसके अंदर से एक मोनो ऑक्साइड नाम की गैस निकल रही थी, और उस गैस से ऐसा होता है अगर वो गैस किसी के भी सामने निकले तो वो इंसान बेहोश हो जाता था। और जिसके बाद अचानक से ये सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी के पूरे परिवार को लेकर जाने लगते हैं एंड वो बुरा आदमी जो कि होगा क्लैन से बिलोंग करता था, वो अपना मास्क उतारता है एंड उसके मुंह पर काफ़ी ज़ोरों की लात मारता है। एंड जिसके बाद वो अपनी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए एलेक्स को एक पिंजरे में बंद कर देता है, जिसके बाद एलेक्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो आसपास के माहौल को देखने लगती है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो थोड़ी देर पहले बेहोश हो चुकी थी। और वो ये सारी चीज़ें देखकर घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, आखिर ये लोग हैं कौन। और जिसके बाद वो बुरा आदमी एलेक्स के पास आता है एंड अपने पास से एक ऐसा इंजेक्शन निकालता है जिससे कि अचानक एलेक्स डर जाती है एंड वो काफ़ी अजीब सी स्माइल कर ही रहा था, तभी उसके कॉल में एक कॉल आ जाता है। और वो बुरा आदमी उस फ़ोन कॉल को उठाने के लिए जाता है, तभी एलेक्स रोने लगती है कि आखिर मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। एंड जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर वो छोटा साइंटिस्ट आ जाता है, जो कि साइंटिस्ट का बेटा हुआ करता था। और वो छोटा साइंटिस्ट उस एलेक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और छोटी एलेक्स उसे घूर कर देखने लगती है कि मानो ऐसा लग रहा हो वो अपनी जान की भीख मांग रही हो, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उसके साथ पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसे मार डालेंगे। लेकिन जो छोटा साइंटिस्ट था वो काइंड था, और एलेक्स के घर में ज़ॉम्बी अभी भी अपने ज़मीन पर पड़ा था उस बुरी गैस के कारण। एंड वो धीरे से हिम्मत करके उठता है एंड आगे जाता है एंड एलेक्स को एलेक्स की नींद से उठाता है एंड एलेक्स को कहता है, वो घर की हालत दिखाता है एंड बताता है कि यहाँ पर एक बॉम्ब आ जाने के कारण हम बेहोश हो गए थे। एंड जिसके बाद ज़ॉम्बी अपनी चेस्ट के अंदर से कुछ पोर्शंस एंड आर्मर्स निकाल लेता है एंड रेडी हो जाता है उन लोगों के पास जाने के लिए एंड अपनी ओवर पावर्ड सॉर्ड भी अपने साथ ले लेता है, और एलेक्स भी उसके साथ रेडी हो जाती है। और वो दोनों रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बचाना था अपनी छोटी बेटी एलेक्स को। एंड जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर जाते हैं और वो निकल पड़ते हैं अपने सफ़र में। तभी
ज़ॉम्बी को अचानक से याद आती है एक ऐसी चीज जो कि उसके सामने हो रही थी एंड उसने रात में सपने में भी यही चीज देखी थी और उसके सामने वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज किडनैप्ड थे एंड वो अपने सामने देखता है वही बुरा साइंटिस्ट जो कि पूरे के पूरे एंटायर विलेज में घूम रहा था एंड एलेक्स एंड ज़ॉम्बी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड जिसके बाद वो बुरा आदमी वापस से अपने घर के अंदर चला जाता है जो कि साइंटिस्ट था एंड एलेक्स इस चीज़ को देखकर अचानक गुस्सा हो जाती है एंड कूद पड़ती है अपनी छोटी बेटी एलेक्स को बचाने के लिए एंड उसकी छोटी बेटी एलेक्स इस टाइम पर अकेली बैठी हुई थी एंड वो छोटा बच्चा छोटी एलेक्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी दोस्त हो एंड वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चालू कर देता है एंड जिसके बाद एलेक्स सीकर बनती है लेकिन एलेक्स सीकर नहीं बन सकती थी इसलिए सीकर बनना पड़ता है उस छोटे बच्चे को जो कि साइंटिस्ट था जिसके बाद एलेक्स को वो उसकी टांग दिख रही थी एंड जिसके बाद एलेक्स उसे पकड़ लेती है एंड वो बाहर की तरफ आ जाता है पर एलेक्स को नहीं पता था कि ये सारे के सारे बंदे होगा लाला की टीम से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही एलेक्स सामने देखती है तो उसके सामने था वही होगा क्लैन का वो साइंटिस्ट जो कि बुरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था और पता नहीं वो उस एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया में कब्जा करवाने वाला था। और आज वो बुरा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे मिला था एक ऐसा हेड जो कि उसके गोल को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला था एंड उसके जो बुरे आदमी थे वो हमेशा टॉर्मेंट करते थे पर ये चीज़ ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी क्योंकि अचानक उनके सर में एक ऐसी तीर लगती है जो कि तीर थी एलेक्स एंड ज़ॉम्बी की एंड एलेक्स एंड ज़ॉम्बी बदले की आग में थे। तभी होगा क्लैन के वो बुरे लोग एलेक्स एंड स्टीव पे अटैक करने की कोशिश करते तो हैं लेकिन एलेक्स एंड स्टीव बहुत बड़े डिफेंसिव थे एंड एक दूसरे को वो बचाते बचाते निकल जाते हैं और अचानक एक ऐसी चीज़ होती है एक बुरा आदमी गैस के साथ आता है एंड फायर चार्ज अटैक करता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बीच में आ जाता है एंड यहाँ पर वो बुरा आदमी अपने हाथों में बड़ी सी रेजर लेकर आता है और वो ज़ॉम्बी एलेक्स को मारने वाला ही था। तभी वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे बाहर पता चलता है कि बाहर कुछ ना कुछ तो हो रहा है पर छोटे साइंटिस्ट को पता चलता है एलेक्स शायद इसलिए रो रही है कि एलेक्स को लग रहा है नेक्स्ट हेड अब उसी का लगने वाला है उस जगह पर। और यहाँ पर एलेक्स एंड ज़ॉम्बी की वॉर चल रही थी तभी ज़ॉम्बी वहाँ पर मर जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। और तभी एलेक्स नथिंग टू इम्पॉसिबल बोलती है एंड बोलती है मैं अपने ज़ॉम्बी का बदला ज़रूर लूँगी एंड मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगी एंड वो मन ही मन इतना ठानती है। तभी उसके हाथों पर एक अचानक ऐसी चीज़ आकर लग जाती है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी एलेक्स वहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाती है एंड जिसके बाद वो बुरा साइंटिस्ट उनके पास भी आ जाता है एंड उन्हें कैप्चर कर लेता है अपने एक्सपेरिमेंटल रूम में एंड वो एलेक्स को एक रस्सी से बांधा हुआ था एंड एलेक्स घबरा रही थी एंड वो देख रही थी उस रूम को क्योंकि उस रूम को उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और अचानक जो छोटा साइंटिस्ट था वो चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा समझ जाता है कि इसके जो डैड हैं वो कोई अच्छा काम नहीं करने वाले एंड वो उसकी मॉम को जैसे ही मारने लगते हैं वो वैसे ही अपने हाथ में शूटिंग रेंज लेता है एंड अपने डैड के पैर में मार देता है जिसके बाद उसके बुरे डैड वहाँ पर गिर जाते हैं एंड जिसके बाद वो एलेक्स को वापस से छोड़ देता है एंड अपनी पॉकेट से वो एक ऐसी की निकालता है जो कि की थी उस जगह की जहाँ पर छोटी एलेक्स बंद थी और छोटी एलेक्स गले लगती है एंड जिसके बाद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी छोटी बेटी को अपने हाथ में लेकर। लेकिन वहाँ से छोटी एलेक्स एंड एलेक्स भाग जाते हैं एंड जिनके बाद तभी छोटे साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये मेरे जो डैड हैं वो लोगों की जान लेते हैं इसलिए वो अचानक से अपने हाथ से एक ऐसी चीज़ करता है जो कि उसे नहीं करनी थी। और जिसके बाद एलेक्स हर एक मॉब हर एक क्रीचर को छुड़ा देती है एंड सामने से एक ऐसा धमाका होता है जो कि बहुत बड़ा था एंड एलेक्स
समझ जाती है हाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा एंड साइंटिस्ट की वहां पर डेथ हो जाती है एंड जिनके बाद एंड जिसके बाद एलेक्स एंड छोटी एलेक्स जॉम्बी की कब्र बनाते हैं एंड उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने पूरी बुक पढ़ ली है एंड मुझे पता चला कि ये जो विच है ना, ये सारी विच कौन है एंड असल में ये क्या काम कर रही है। वो जो बुरा साइंटिस्ट था ना, वो एक ऐसी बुक छोड़कर गया था जिसमें ये सारी चीजें लिखी थी एंड ये चीज होगा लाला के हाथों में पड़ चुकी है और ये चीज स्मार्टी भाई भाई को रोकना पड़ेगा।